हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रेगुलर न्यूज देख रहे होंगे, कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, और ये कंट्रोल भी एक हद तक ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर नहीं हो रहा। तो अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो दोस्तों, घर पर रहो या ना रहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और सावधान रहो, क्योंकि जो कोरोना है वो आपके बुआ या मामा का लड़का नहीं जो आपको वकस देगा। तो इसलिए सावधान रहे। तो चलिए, ये तो चलता रहेगा, अब हम आज का टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त, यानी कि ब्लड, रुधिर, ये तीनों एक ही हैं। और रुधिर से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ये हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव में घुमाने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सभी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले तो मैं ही बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा कि रुधिर यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जिस क्रिया से ब्लड बनता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रतिशत रक्त किस भाग के अंतर्गत आता है, और रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और रक्तदान भी आएगा कि कितना रक्तदान करना चाहिए, कितनी आयु में करना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन रक्त से ही संबंधित होते हैं। दोस्तों, रक्त एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। चलिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए मैं उनको लिखा देता हूँ। रक्त हमारा रक्त यानी कि ब्लड, दोनों एक ही बात है, लेकिन वो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, अब मैं आपको बताता हूं रक्त बनने की क्रिया, रक्त बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं। यानी जिस क्रिया के द्वारा रक्त बनता है उस क्रिया को बोलते हैं हेमेटोपाइसिन। हेमेटोपाइसिन, देखिए, अब आप चर्चा करते हैं कि जो को रक्त होता है वो क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो रक्त होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक है। अब इसका देखो कार्य क्या होता है, कार्य तो इसका कार्य होता है, यह ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होता है वह फेफड़ों से अन्य भाग तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से अन्य भाग तक ले जाना, अन्य भाग तक ले जाना जाना वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। देखिए किस प्रकार ले आता है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन ऐसे तो नहीं कि सारे शरीर में घूमती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको कल बताया कि ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है, और आपको पता होगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रक्त में पाया जाता है। तो रक्त आपको पता है कि पूरे शरीर में घूमता है, आप कहीं से भी थोड़ा सा निशान, जैसे थोड़ा सा कट का निशान लगा दोगे तो आपको उसी जगह से रक्त निकल आएगा, चाहे वो शरीर का कोई सा भी भाग हो, कोई सा भी अंग हो। तो इस तरह जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों से अन्य भागों तक जाती है और CO2 को बाहर लेके आती है रक्त।
चलिए, ये तो रक्त का कार्य बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त मनुष्य में कितना पाया जाता है और अधिकतम कितना पाया जाता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि एक क्षारीय होता है, जो कि क्षारीय होता है। अच्छा, अब सामान्य मनुष्य में कितना पाया जाता है, ये मनुष्य में, तो सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। चलो सामान्य बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूं अगर अधिकतर पाया जाए, अधिकतर अधिक अधिकतम, तो अधिकतम पाया जाता 7 लीटर। अगर किसी में अधिक से अधिक पाया जाए तो उसमें 7 लीटर से अधिक नहीं पाया जाएगा, केवल 7 लीटर पाया जाएगा, इससे अधिक नहीं पाया जाता। अच्छा चलो ये बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको इसका कार्य बता दिया, पीएच मान बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ जो शरीर में जो रक्त रक्त परिसंचरण होता है उसका जो टाइमिंग होता है वो कितनी होती है, यानी कि जो रक्त होता है वो एक बार शरीर में घूमने का जो टाइमिंग होती है वो कितना होता है। शरीर में रक्त परिसंचरण शरीर में रक्त परिसंचरण 23 सेकंड में होता है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अब आएगा जो रक्त का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, यानी रक्त बनना, रक्त का बनना। तो देखिए रक्त दो प्रकार से बनता है, एक तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, एक बनता है अस्थि मज्जा में और दूसरा बनता है ये भ्रूण में, भ्रूण में भी बनता है रक्त। देखिए तो भ्रूण तो आप जानते होंगे एक बच्चा होता है ना, एक बहुत ही जिसके पूरे अंग बने भी नहीं होते उसे कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण में कहाँ पे बनता है, देखो प्लीहा, यकृत, मीसोडर्म, मीसोडर्म। मैं आपको बता देता हूँ प्लीहा क्यों, कोई हम तिली कहते हैं, तिली के नाम से भी जानते हैं, तिली आदि में बनता है, आदि में रक्त बनता है। देखिए अब मैंने आपको रक्त का बनना बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ जो रक्त होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से दो भाग होते हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखो एक होता है प्लाज्मा, जिसमें रक्त का 60% भाग बनता है, या फिर जिसमें रक्त का 60% भाग आ जाता है। एक होता है हमारा कणिकाएँ, कणिका तीन प्रकार की होती हैं, एक होता है आपने सुना होगा RBC जो कि रेड ब्लड कार्पल्स होती है, और एक होता है WBC और एक होती है हमारी प्लेटलेट्स। हाँ तो रक्त को दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब देख किस तरीके से बांटा गया है, एक होता है हमारा प्लाज्मा, इसमें रक्त का 60% भाग बनता है, या फिर इसके अंतर्गत रक्त का 60% भाग आता है। दूसरा होता है हमारा कणिकाएं, इसमें रक्त का 40% भाग आता है। चलो ये तो चलता रहेगा, अब मैं आपको बताता हूँ जो प्लाज्मा होता है उसमें कौन कौन से मतलब कितना किसका कितना औसत होता है, जैसे कि उसमें जल कितना पाया जाता है, उसमें प्रोटीन और तुम्हारे एंजाइम पाए जाते हैं और लवण खनिज ये आदि सब पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में हमारे 90% जल पाया जाता है,
प्लस 10% हमारा प्रोटीन, एंजाइम और हमारे लवण, खनिज, ये सब पाए जाते हैं। तो 90% जल पाया जाता है और 10% एंजाइम, लवण, खनिज पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंजाइम पाए जाते हैं वो तो खासकर नहीं पूछे जाते, लेकिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे में? प्रोटीन, तो प्रोटीन एक होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एक होता है और ग्लोब्यूलिन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वह भी पाया जाता है, लेकिन जो चार होते हैं वो प्रोटीन वो प्रमुख होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है ग्लोबिन, यह सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। अब दो और पाए जाते हैं, एक होता है हमारा प्रोथ्रॉम्बिन और एक होता है हमारा फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। ये दो प्रोटीन जो कि मैंने लास्ट में लिखा है, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ जो रक्त का थक्का जमना होता है वो क्या होता है। आपने देखा होगा एक सामान्य मनुष्य होता है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके जो चोट लग जाती है तो उसका जो रक्त होता है एक बेहतर रहता है, और उसी तरह एक और व्यक्ति होता है जिसके चोट लग जाती है तो उसका रक्त बहते बहते अपने आप ही रुक जाता है। तो उसका क्या होता है, जो उसका जो रुक जाता है उसके जो रक्त में ये प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के और ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ और प्रोटीन होते हैं जैसे कि थ्रोम्बोसाइट भी होता है एक, इस तरीके से होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक रक्त का थक्का जमाने वाले 14 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो मैंने ये बता दिया है, प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया। चलिए अब हम आपको चर्चा करते हैं रक्तदान पर, रक्तदान से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उससे के लिए पहले से मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको कराएंगे रक्तदान। देखो रक्तदान से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन उससे ये आता है कि मनुष्य अपना कितना प्रतिशत रक्तदान कर सकता है, तो आपका आंसर आएगा 10%। चलिए तो हाँ रक्तदान चल रहा था हमारा, देखिए तो रक्तदान मनुष्य अपना अपना 10% कर सकता है, अपना 10% रक्तदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि उसकी कितनी आयु के बीच में रक्तदान कर सकता है, उसके लिए आयु होती है, आयु 21 से 60 वर्ष की, 21 से 60 वर्ष की आयु में मनुष्य अपना रक्तदान कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूनिट में कितने ml आते हैं, एक यूनिट रक्त में कितने ml आते हैं, एक यूनिट में एक यूनिट में 350 ml आते हैं, 350 ml रक्त आता है। चलिए कोई बात नहीं, देखो इतना तो आप लोग सभी जानते हैं जो रक्त होता है वो ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है। लेकिन ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है, क्या आपको ये पता है कि ब्लड बैंक में जो सुरक्षित रहता है वो कितने तापमान पर रहता है या कितने दिन तक रहता है,
देखिए मैं बताता हूँ, ब्लड बैंक में रक्त रक्त सुरक्षित रक्त सुरक्षित रहता है 48 दिन तक, 48 दिन तक रक्त खराब नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कितने तापमान पर रहता है। का तापमान, ब्लड बैंक का सुरक्षित सुरक्षित तापमान तो ब्लड बैंक का सुरक्षित तापमान होता है -40 से 12 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको औसतम में पूछा जाए, औसतम में तो औसतम में पूछा जाए तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको बता देंगे जो ब्लड बैंक होती है उसमें जो ब्लड बैंक को ब्लड को सुरक्षित रखती है, तो ब्लड बैंक को हम किस में रखते हैं, यानी किन तत्वों के अंदर रखते हैं। तो ब्लड बैंक को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, किसमें सुरक्षित रखा जाता है। दो तत्व होते हैं, एक होता है हमारा द्रव नाइट्रोजन, एक होता है हमारा डेक्सट्रेट। इन दो तत्वों के अंदर ही ब्लड बैंक को हम सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए ये भी बता दिया हमने। अब अगला फैक्ट जो बनता है वो किस प्रकार बनता है, कि वो इस प्रकार बनता है कि आरबीसी या ब्लड बैंक का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ब्लड बैंक या आरबीसी आप समझते होंगे, रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है स्प्लीन, या कह सकते हो आप प्लीहा, या कह सकते हो तिली। इन तीनों को आरबीसी या ब्लड बैंक का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने रक्तदान भी आपको कंप्लीट करा दिया, इससे हमारे यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नहीं रह रहे हैं। चलिए नहीं रह रहे हैं तो देखिए तो आरबीसी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कणिकाएँ होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया था कि 60% ब्लड का जो भाग होता है वो प्लाज्मा के अंतर्गत आता है, और जो 40% ब्लड का भाग होता है वो कणिकाओं के अंतर्गत आता है। तो कणिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, कणिकाएं के अंतर्गत आता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, और एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, एक होती है हमारी प्लेटलेट्स। तो दोस्तों ये हमने रक्त से आने वाले फैक्ट, काफ़ी सारे फैक्ट आपको करा दिए हैं, लेकिन रक्त एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हम आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को भी कराएं तो ये भी काफ़ी विस्तार से बताना पड़ता है इनको, और इनके काफ़ी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, आकार कितना होता है, और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसे काफ़ी सारे इनसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आपको कल की वीडियो में कराएंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।